अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त फरहान फयाज। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर एक ऐसी वेबसाइट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जिसके ऊपर आप अकाउंट बनाते ही आपको $100 का रिवॉर्ड दिया जाता है। और ये ही नहीं, जब आप अकाउंट बना लेते हैं वो $100 तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन जब आप अपनी लिंक से किसी दोस्त को रेफ़र करते हैं, अपनी लिंक से किसी को ज्वाइन करवाते हैं, तो उसका आपको अलग से यानी कि $10 पर रेफर का जो है वो रिवार्ड मिलता है। लेकिन इसकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपने लाजमी से फॉलो करनी है। काफ़ी लोग अब जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करेंगे, आगे कुछ उनको समझ नहीं आएगा और बाद में कमेंट में कहेंगे भाई ये कैसे करना है और वो कैसे करना है। तो पहले वीडियो कम्प्लीट देख लें, वो जो आपको $100 मिलने हैं वो किस तरह से मिलेंगे, उसके लिए कुछ वेरिफिकेशन करनी पड़ती है जिसे KYC वेरिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। जब आप उसको कंप्लीट कर लेंगे तब आपको वो $100 का रिवार्ड जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद का जो सीन है, अभी क्योंकि फ्री चल रहा है, बाद में जब आप लेट हो गए तो फिर आपको जो है वो इसके ऊपर पैकेजेस परचेज करने पड़ेंगे, लेकिन रेफर की जो अर्निंग है वो आपको मिलती रहेगी। बाकी इंशाल्लाह विड्रॉवल का भी आपको सीन बताऊँगा, टोटल इस वेबसाइट का पूरा रिव्यू दिखाऊँगा कि क्या ये वेबसाइट आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है या नहीं। लेकिन मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि ये अच्छा प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपको पर रेफरल का $10 रिवार्ड दिया जाता है और अकाउंट बनाते ही आपको $100 का रिवार्ड जो है वो बोनस साइन अप बोनस के तौर पे दिया जाता है। KYC वेरिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने ये लाजमी से देखनी है क्योंकि ये ऐसा प्रोसेस है जब इसको आप कंप्लीट करते हैं तभी आपको जो है वो $100 मिल जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो कंप्लीट देखना है, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, मजीद वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके और लाजमी कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब कंप्लीट A to Z आपने वीडियो को देखना है, तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। ओके गाइज, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस, ये होम स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी और यहाँ पर लिखा भी हुआ है उन्होंने कि EPP अर्ली पार्टिसिपेंट प्रोग्राम, यानी कि आप ये अर्ली मतलब कि इसकी लॉन्चिंग से पहले पार्टिसिपेट करेंगे तो ये आपको बेनिफिट मिलने वाले, यानी कि आप यहाँ से $100 क्लेम कर सकते हैं फॉर ईच रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर क्लेम USD फॉर $10 फॉर ईच न्यू रेफरल्स, अगर आप अपने रेफरल्स बनाते हैं तो उसके आपको हर रेफरल के ऊपर $10 मिलेंगे। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेबल DAO 17 डेज अर्ली पार्टिसिपेंट प्रोग्राम है ये। उसके बाद यहाँ पे डेज तो ख़त्म हो चुके हैं, बाकी 15 आवर्स रहते हैं, लेकिन आपको ये वीडियो जो है तकरीबन लेट ही मिलेगी जब तकरीबन 1-2 घंटे रहते होंगे, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन यूज़र जो कि 24 घंटे के अंदर जिनके रजिस्ट्रेशन हुई है 9973, उसके बाद टोटल यूज़र आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 380,690। चेन के सोशल अकाउंट्स हैं। अब आते हैं, बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अपना फर्स्ट नेम जो आपके CNIC के ऊपर है, लास्ट नेम और आपका यूज़र नेम हो गया, ईमेल, ठीक है, नाम आपने वही एक्यूरेट देना है जो आपके CNIC के ऊपर हो, ठीक है, अदरवाइज़ आपकी KYC रिजेक्ट हो जाएगी। KYC किस तरह से करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ, जब आप वीडियो कंप्लीट देख लेंगे सारा प्रोसेस आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद ईमेल देनी है जो ईमेल आपकी एक्टिव हो, क्योंकि उसके ऊपर नोटिफिकेशन आएगा, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है। ईमेल वही देना है जो आपकी मोबाइल के अंदर एक्टिव हो, क्योंकि उसके ऊपर नोटिफिकेशन आएगा, आप वहाँ पे आप ईमेल को ओपन करोगे, उसके ऊपर क्लिक करोगे, फिर आपका जो है वो ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद पासवर्ड देना है, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड, यहाँ पे अपनी अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, सारे कंट्रीज़ मौजूद हैं। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर देना है, उसके बाद जेंडर, एंड यहाँ पे नीचे जो ब्लैंक आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी होती है, ठीक है। नीचे आपने अपना स्पॉन्सर, इंटरव्यू स्पॉन्सर जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बल्कि आप मेरे लिंक से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद आई एम नॉट अ रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, और एग्री एंड रजिस्टर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। तो अब बात करते हैं लॉगिन की। तो मैंने अपना अकाउंट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है और मैं यहाँ पे आपको $100 की कुछ स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ जो कि मेरे पास मौजूद है। जब आपको मिलता है, आपका अल्लाह भला करे, जब आपको आपकी KYC कंप्लीट होने के बाद मिलता है यहाँ पे EPP रेफरल इनकम, ये जो कि आपकी रेफरल से मिलेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे EPP वॉलेट के अंदर आपको $100 और आपके रेफरल का जो भी अर्निंग होगी आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, डैशबोर्ड के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आप ये मेरे एक दोस्त के जो है वो टोटल मेंबर्स हैं और यहाँ पे जितने लोगों ने KYC की उनके रेफरल्स हैं और यहाँ पे नीचे मेंशन है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई हमने लॉगिन करने के बाद का आपको जो प्रोसेस है वो समझाता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेटर, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑथेंटिकेटर कोड लगा लेता हूँ,
उसके बाद सिंपली आपने सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे ही साइन अप करने के बाद लॉगिन करेंगे तो ये आपके सामने कॉन्ग्रेचुलेशन क्लेम रिवार्ड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लेम रिवार्ड के ऑप्शन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने पेज आ जाएगा जहाँ पर लिखा हुआ है कि हेलो स्टेबल DAO community, before we can proceed with the credit of your stable DAO reward, we required the following mandatory step to be completed. आपको ये complete करने पड़ेंगे। First of all, आपने इनका जो Telegram channel है, जो group है, आपने इसको join करना है। ये पहला step है आपका। उसके बाद दूसरा step है आपका, ठीक है। और इनकी community भी बहुत ही बड़ी है, अगर मैं आप इसको open करके दिखाऊँ, क्योंकि ये VPN के साथ ही होता है तो ये थोड़ा सा लेट होगा आपने, लेकिन इसको ज्वाइन कर लेना है। जो भी अपडेट आएगी इसी के अंदर आएगी, और इसके 1.5 लाख के से प्लस इसके मेंबर जो हैं वो इसके अंदर ज्वाइन है। उसके बाद आता है कंप्लीट योर KYC हर EPBA रिवार्ड आर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ योर KYC ओपन अप्रूव क्रेडिट विल बी अवॉर्डेड टू योर विद इन 24 आवर्स TAT टर्न अराउंड टाइम। अब यहाँ पे नोट भी लिखा हुआ है, यू कैन अपलोड योर KYC डॉक्यूमेंट साइजेस स्टार्टिंग फ्रॉम 100 KB टू 10 MB via PDF एंड JPG फॉर्मेट, ठीक है। जो भी आप KYC के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उनका जो साइज़ होगा 100 KB से 10 MB तक हो, ठीक है। और जो फॉर्मेट्स आप यूज़ कर सकते हैं PDF और JPEG जो कि हर फोटो के अंदर आप कर सकते हैं, आप पहले से भी मोबाइल के अंदर कैश ही रख सकते हैं या उसी टाइम आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, पहला स्टेप तो आपका हो गया कि आपने इनका टेलीग्राम जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लिया। अब उसके बाद आपने KYC के ऊपर क्लिक करना है तो ये आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 स्टेप हैं हमारे। फर्स्ट नंबर पे आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे आपके सामने ये विंडो आ जाएगी जहाँ पे आपने अपना फुल नेम देना है, ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो आपके CNIC के ऊपर है, उसके बाद ईमेल एंड जेंडर, आपकी कंट्री, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड कंट्री, स्टेट हो गया, सिटी हो गई, और जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है वो जो आपके CNIC के ऊपर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देने के बाद सिंपली आपने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर करना है क्लिक, तो ये आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। और ये हर उसके ऊपर सक्सेस करेंगे तो हर उसके ऊपर आपको OTP मांगेगा, ठीक है। तो ये जैसे मैंने कंप्लीट किया है तो यहाँ पे 34 97 45, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 44 45, आपने इसको सबमिट कर देना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया कि हर बार आपने इसको इसी तरह से करना है। अब यहाँ पे अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहें तो आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ये भी KYC का पार्ट है, ठीक है। आप जो अकाउंट बनाने के बाद आपका जो है वो ये भी आपने चेंज करना है। अच्छा, उसके बाद ट्रांजेक्शन पासवर्ड आपने देना है, ठीक है। ट्रांजेक्शन पासवर्ड आप कोई सा भी रख सकते हैं, जो लॉगिन पासवर्ड है आपका उसी तरह का आप ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये भी KYC वेरिफिकेशन का पार्ट है। अच्छा, उसके बाद आती है KYC वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे आपने अपनी जो है अपने फोन, क्योंकि मेरी अंडर रिव्यू में है, क्योंकि इसको 2 से 3 दिन लगते हैं, उसके बाद आपको रिवार्ड मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे KYC में होता यह है कि आपको अपनी एक ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पासपोर्ट या फिर आपके पास CNIC कार्ड, इन तो तीनों से के साथ आप जो है KYC वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। KYC वेरिफिकेशन के लिए आपको अपना CNIC का फ्रंट फ़ोटो अपलोड करना होगा, ठीक है, जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया उसी के साथ, और बैक फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद आपने अपनी जो मतलब के फ़ोटो है, ठीक है, आपने अपनी थोड़ी के नीचे, मतलब दाढ़ी के नीचे अपना CNIC क्यू पकड़ के रखना है और अपनी सेल्फी बनानी है जो कि क्लियर नज़र आए आपका CNIC भी और आपका फेस भी, कहीं भी ब्लर ना हो, कहीं भी कोई चीज़ मतलब के ऐसी ना हो। जब आप KYC वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आप आगे आपको वो मेंशन कर देगा कि भाई आपने ये चीज़ें करनी है, ठीक है। ये तो हो गया चौथा, और लास्ट में है आपका 2-फैक्टर ऑथेंटिकेटर है, जो कि गूगल ऑथेंटिकेटर है, जब आप इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि 1 स्टेप गूगल ऑथेंटिकेटर इज इनेबल टू डीएक्टिवेट इंटर गूगल ऑथेंटिकेटर कोड एंड क्लिक टर्न ऑफ, ठीक है, इंटर द 6-डिजिट कोड दैट ऐप जनरेटेड। जब आप अपने गूगल ऑथेंटिकेटर को इसके साथ इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बार कोड आ जाएगा, आपने क्या करना है उसका जो कोड होगा या फिर वो अपने ऑथेंटिकेटर में लगा लें या फिर अगर आपके पास कोई और मोबाइल हो तो यहाँ पे बार कोड आ जाएगा, आपने उसके साथ उसको स्कैन करके इसमें ऐड कर देना है। तो आपके सिर्फ वहाँ पे कोड आ जाएगा और यहाँ पे कोड इंटर करके यहाँ पे इनेबल कर लेना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनेबल किया हुआ है तो वो डिसेबल कह रहे हैं इसी वजह से। अच्छा, ये सारी चीज़ें होगी कंप्लीट। अब बात करते हैं इसकी डैशबोर्ड की। यहाँ पे आप डैशबोर्ड के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको जो मैंने आपको पहले स्क्रीनशॉट दिखाया है, आपको रिवार्ड्स वगैरह रेफरल के EPP वॉलेट के अंदर मिलेंगे और आपको जो रेफरल रिवार्ड है वो भी यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अभी फ्री चल रहा है तो यहाँ पे बाय पैकेज का भी ऑप्शन मौजूद है जो कि अभी कमिंग सून है,
ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कमिंग सून लिखा हुआ है, जो कि $100 USD, जो कि इक्वल है USDT के। ठीक है, तो यहाँ पे डेली ROE आपको मिलेगा 0.10%। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एसेट्स, एफिलिएट, एकेडमी भी है, स्पोर्ट एंड प्रोफाइल, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मेंशन है। ठीक है जी, तो अगर कोई चीज़ समझ नहीं हो तो आपने कमेंट में बताना, ताकि उसके ऊपर एक मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दे सकूँ, ताकि आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके। तो आई होप कि आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा, कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट में बताना, ताकि उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँ। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।